ये सामने करारे करारे गोलगप्पे हैं, ये इन्होंने प्लेट बनाई है। और ये गोलगप्पों का पानी है जी सर, ये सोंठ वाला पानी होता है? सोंठ का पानी है, सोंठ का पानी होता है जी। और ये मैंने डाला है पानी में, ओह ये हो गया जी गोलगप्पे का पूरा सीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 56 से 1956 से मेरे दादा नूर मोहम्मद मुल्ला जी। अच्छा, ये आ गए जी पापड़ी, ये आ गए मसाले। ये जनाब ये कौन सी चटनी है? सिग्नेचर चटनी चलाती है, सिग्नेचर चटनी है, मीठी चटनी, सिग्नेचर चटनी जो। अच्छा पापड़ी तो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, पापड़ी भी आ गई है। इनकी जो सीक्रेट चटनी है ना, इसने थोड़ा सा इसके जायकों को उठा दिया। 750 का नाइकी का शूज है भाई, ये जल्दी से आए लूट लें नादावा चौरंगी पे। ये आ गया, ये भाई ने, ये भाई कहना है बड़ा एक्सपीरियंस है इनको नमक डालने का। खालिस चीज़ की बात ही और होती है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताजराज। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं रिजविया सोसाइटी की जो मार्केट है ना, रिजविया सोसाइटी की मार्केट में मौजूद हैं, जो कि नाज़ाबाद चौरंगी के की मार्केट के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पर हम हैं, क्या दावे क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? आपको तो पता है जैसे हमारी मार्केट की सीरीज चल रही है, ये तीसरी आप समझ लें कि मार्केट है। यहाँ हर मार्केट की अलग वाइब है, अलग वाइब है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, छोटे मोटे स्टॉल्स हैं जो हम ट्राई करने आए हैं। गोलगप्पे की चाट है, गन्ने का शरबत है, बर्गर है और चना चाट भी है। चना चाट तो देखते हैं हम इसमें से कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, ये रिजर्व सोसाइटी की पूरी मार्केट है, सही है ना? ये पहले यहाँ पर चौरंगी हुआ करती थी, लेकिन अब ये अंडरपास बन गया है जिसकी वजह से चौरंगी हो गई है ख़त्म। ये यहाँ पर HBL है, HBL के बिल्कुल सामने ये बैठे हुए हैं भाई, 35 साल से ये गोलगप्पे बेच रहे हैं और चाट बेच रहे हैं। ठीक है, चलते हैं इनके पास, भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान भाई कब से हैं भाई? तकरीबन 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए हमारे तो वाली साहब को ताया को। अच्छा, मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पे। तो गोलगप्पे माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़े ज़ोरों शोरों से गोलगप्पे चल रहे हैं। और ये मतलब खट्टे मीठे होते हैं या सिर्फ खट्टे ही होते हैं? नहीं, खट्टे मीठे मिक्स होते हैं, लोग खट्टे मीठे भी खाते हैं, कोई मीठे खाते हैं, जैसा लोग बोलते हैं वैसे बनाते हैं। तो गोलगप्पे ही होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं? गोलगप्पे हैं हमारे पास, चाट है, बर्गर है, बर्गर वगैरह भी है। तो मेरा ख्याल है गोलगप्पे आपके लग रहे हैं कब कोई पुराना आपका सेटअप लग रहा है, तो गोलगप्पे की मेरा ख्याल है तो आप ही ट्राई किया जाए। गोलगप्पे ट्राई करते हैं भाई, एक हमें बनाते हैं ज़रा गोलगप्पे का एक प्लेट। ये आप देख रहे हैं, ये चल रहा है जी सीन गोलगप्पे का। ये सामने करारे करारे गोलगप्पे हैं, ये इन्होंने प्लेट बनाई है। और ये गोलगप्पों का पानी है जी सर, ये सोंठ वाला पानी होता है? सोंठ का पानी है, सोंठ का पानी होता है जी। सोंठ का पानी जो खट्टा वाला होता है ना, वो ये पानी है। अच्छा, यहाँ पे आके इन्होंने ये बनाया हुआ जी, ये सेटअप है इनका। ये मीठा डाला है आप जी सर? ये मीठा डाला है जी। और ये जल रही है जी दही, ये इन्होंने बाल्टी में रखी हुई है दही। ये क्या डाला है? दही और ये मसाला आ गया, मसाला दही के बाद मसाला आ गया जी। अच्छा जी, नाजमाबाद के गोलगप्पे आ गए हैं, 35 साल पुराना, और वेलकम के नाम से इन्होंने जो बोर्ड पे लगाया है वेलकम का चार्ट है। तो ये खट्टे मीठे गोलगप्पे हैं जी, ये मैं उठाता हूँ और ये मैंने डाला है पानी में। ओह ये हो गया जी गोलगप्पे का पूरा सीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा पानी है भाई, ज़बरदस्त किस्म का। और इसके अंदर जो मसाला है उन्होंने ऊपर से डाला ना, वो कोई एक नई चीज़ लग रही है मुझे। बाकी जगहों पे मसाला इस तरह का नहीं है, तो उससे एक अलग से एक जायका उठ रहा है मसाले से। मीठा और दही वही डाल के ना बिल्कुल बैलेंस हो गया, हल्के से सौगी से हैं क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पे आए हैं, लेकिन फिर भी सही है। ओके की रिपोर्ट है। और जनाब रिजविया मार्केट के गोलगप्पे हाज़िर हैं हम लोगों के सामने, सूरत आप लोगों ने देख ली, चटनी वटनी डाली हुई, दही मसाला। और अब बारी है इसकी डुबकी लगाने की, ये डुबकी लगा दी है, प्याला उठा लिया है और
मुनासिब ज़ायका है, बहुत ज़्यादा आप इसको ज़ायकेदार नहीं कह सकते। गोलगप्पे की जो खासियत है वो तो गोलगप्पे क्रिस्पी होने चाहिए थोड़े से, मगर ये हल्के से जो है वो जैसा राशिद भाई ने बताया भी है, हल्के से इसमें जो है ना क्रिस्पी जो है ख़त्म हो गई थोड़े से, वो जो इसकी अपनी खासियत है वो नहीं आ रही। अलबत्त जो इसकी चटनी है और जो पानी है वो मज़ेदार है। ये सामने डबल एग वो भी बन गया है और इसके साथ ही जो ना ये नाज़माबाद के मशहूर दही बड़े और छोले। सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हो गया भाई? मैंने कहा आजकल वैसे डीएमसी वालों ने बहुत परेशान किया है, हम पे ना आ जाए तो। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा भाई। माशाल्लाह 25-30 सालों से लगा रहे हैं मेरे ख्याल आप? मेरे दादा ने लगाया था 1956 से। 1956 से मेरे दादा नूर मोहम्मद मुल्ला जी। अच्छा, फिर उसके बाद दादा के साथ वाली साहब रहे इस्लामुद्दीन। 93 से मैं अब्बू के साथ था। तो ये भाई कितने साल हो गए कैलकुलेशन? कैलकुलेशन मतलब 56 से 2023 है, हो गए होंगे 50-55 साल तक। 50-55 हो गए, हमारा अंदाज़ा गलत था 30-35 का। तो भाई माशाल्लाह एक लग भी रहा है कि सेटअप जो है पुराना है और मसालों से भी अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ही जो है ना अलग किस्म की चीज़ होगी। तो भाई एक प्लेट ज़रा ट्राई तो करवा दें। कोई चीज़ अलहमदिल्ला हम बाज़ार से नहीं परचेज़ करते। अच्छा, ये दालें हम अपनी पिसवाते हैं, पापड़ी हम अपनी खुद बनाते हैं, मीठा हमारा घर का। अच्छा, खुद ही बनता है घर पे पापड़ी भी इनकी अपनी बनाई हुई है भाई। ये देखें, ये तो एक नई चीज़ हो गई जी। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हम बाज़ार से परचेज़ करते। ये छोले दही बड़े की प्लेट बन रही है जी, ये आ गई जी पापड़ी, ये आ गए मसाले। और ये जनाब ये कौन सी चटनी है? सिग्नेचर चटनी चलाती है, सिग्नेचर चटनी है, मीठी चटनी। सिग्नेचर चटनी जो जिसको कहें कि कॉन्फिडेंशियल होती है, जो घरों में मन खास इसकी रेसिपी होती है भाई। मीठी चटनी होती है प्योर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दही होता है, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं मिक्स कुछ नहीं। अच्छा, दही खालिस, दही खालिस, होता है खालिस, चीनी मिलाएं और लस्सी समझ के पी रहे हैं, इतनी खालिस। ओहो, ये ता भाई के पास आ गई है प्लेट। अच्छा, पापड़ी तो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, येलो येलो कलर की, ट्राई करते हैं। पापड़ी भी आ गई, पापड़ी अलग से भी खा के चैलेंज ही कराती है, ये पापड़ी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, जायका तो मज़ेदार है और जो ख़ास तौर पे पापड़ी है ना उसका अलग सा टेस्ट आ रहा है। थोड़ी सी स्पाइसेस मुझे कम लगी हैं, मगर आप डलवाना चाहें तो और डाल सकते हैं, ओवरऑल चार्ट जो है बेहतरीन है। अच्छा जी, भाई ने कहा है कि ये पापड़ी जो ना इनकी स्पेशल है, जो ख़ुद बनाते हैं, ज़रा ये भी ट्राई करनी चाहिए, अलग से इन्होंने दिया। तो कलर से आपको आइडिया हो रहा है जिस तरह की पापड़ीज मिलती हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, साइज़ भी थोड़ा सा अलग ही है। तो ये मैं ज़रा क्रंच करके मैं ट्राई करता हूँ। जैसा कि क्रंची है, आपको पता ही होगा पापड़ी होती क्रंची है, और मेरे ख्याल जिस ऑयल में बनी है, ऑयल जो घर जैसी फीलिंग आ रही है मतलब पापड़ी के अंदर, तो अमूमन पापड़ी का एक अलग ही वाइब होती है, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ी सी घर वाली जो है ना फील आ रही है। ये भी ट्राई कर लेता हूँ, दही बड़े, इसमें लाना दही। इनकी जो सीक्रेट चटनी है ना, इसने थोड़ा सा इसके जायकों को उठा दिया। बोलने के हर चने वाले की, हर दही बड़े वाले की जो ये सीक्रेट किस्म की चटनी होती है ना, यही उसकी जान होती है। अगर ये सही ना हो तो फिर चटनी भी मतलब पूरा जो चाट है ना वो ख़राब हो सकती है। बेहतरीन है ज़बरदस्त भाई। ये मार्केट है तो ये माशाल्लाह ये बाबा जी ने लगाई हुई है खिलौनों की दुकान जी। भैया जी सही छाल आए, सही कितने का दे रहे हो ये माल? 100 रुपए का ये सारा, 100 रुपए का अलग अलग है, अलग अलग रेट है। अच्छा, ये हाथ में जो आपके गुब्बारा है ये कितने के? ये 150 का भी है, 200 वाला भी है, 150 का भी है, 150 का या 200 का है भाई। ये भाई यहाँ पे लगाया हुआ है चौरंगी में इन्होंने स्टॉल, ये बच्चों के लिए आप देखें। हाँ भाई, कुछ बचपन याद आया नहीं है आपको?
कहा भाई को जो ना अपना बचपना याद आ गया है, देख के तो कह रहे हैं मैं सोच रहा हूँ ले लूँ बच्चों के लिए। ले लें भाई ले लें, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ें हैं जी भाई, ये नाइकी के शूज़ मिल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, नाइकी का शूज़ है ये। कितने का है बेटा? 750 का नाइकी का शूज़ है भाई ये। जल्दी से आएँ लूट लें नाजाबाद चौरंगी पे। बेहतरीन। और कौन सी ब्रांड है आपके पास बेटा? ये आफरीदी, आफरीदी के शूज़ मिल रहे हैं ज़बरदस्त भाई। आप देख रहे हैं ना ये ठेले पे जो है ना, बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त इन्होंने आइटम रखे हुए हैं। ये सारे ये सब नाइकी के शूज़ हैं। ये वो देखें ऑरेंज रंग का कितना ज़बरदस्त। ये भी इधर भी देख लें आप वाइट वाले। कहा भाई दिखा दें पूरा ठेला। ये कितने कितने की सेल है बेटा टोटल? टोटल 650 650 की लगा दी है भाई ने, 650। कोई सा भी जूता ले लें आप। ये देखें, ये देखें आप, ये लेदर है बेटा? नहीं भाई, ये दो नंबर लेदर कह लें आप, लेकिन ये 650 का ही है। चटपटा खाने के बाद मेरा ख्याल है कि ठंडा मीठा तो बनता है, ठंडा हो जाए। मौसम भी ऐसा हो रहा है कि ठंडा ज़रूरी है। ठंडा और मीठा जो ना ये चल रहा है यहाँ पे सीटा सेटअप। ये देख रहे हैं आप, ये है कराची में आपको जगह जगह मिलेंगे। ये गन्ने का जूस है जी। ये निकालना है इस तरह, गन्ने को इस तरह डालते हैं भाई साहब। ये देखो आप, ये बार बार डालते हैं, इतना डालते हैं जिस तरह आवाम को जिस तरह पीस रहे हैं ना, ये इस तरह गन्ने को पीस रहे हैं भाई। ये देखें आप, ये देखिए, ये छोड़ना नहीं है, निकाल लेना है सारा जूस निकाल लेते हैं गन्ने का। तो भाई इधर आ जाए भैया, दो गिलास दे दो यार। ये यहाँ से फिर आता है जी, ये इधर ये इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, ताज़ा दो यार। ये भाई ने ये आ गया जी। ओहो कहा भाई यार बेटा, वो नमक भी होता है ना, नमक नहीं है? नमक डाल दें भैया। अल्लाह अकबर भाई, इतना सारा डाल दिया जज्बात में आके भाई ने, बहुत डाल दिया नमक। ये ये वो भी उठा दो बच्चा। ये आ गया, ये भाई ने, ये भाई कह रहे हैं बड़ा एक्सपीरियंस है इनको नमक डालने का। ये हो गया भाई, ये मसाला वाला जो सीन है ना, ये लाहौर में तो बिल्कुल आम है। पंजाब साइड पर चले जाएँ आप, गंडेरियाँ लेंगे ना, उसके अंदर भी ये मसाले डाल के देते हैं। तो ये नमक होता है, काला नमक। बिस्मिल्लाह, रिफ्रेश जनाब। गन्ने का रस मसाला डाला हुआ, ये देखें, मिक्सिंग कर लें थोड़ी। खालिस चीज़ की बात ही और होती है, ज़बरदस्त भाई। ठंड पै गई। अच्छा जी, नाजाबाद चौरंगी की जो स्ट्रीट फूड है वो हमने डिस्कवर की है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। 1957 से जो है ना, वो पुरानी चीज़ जो है ना, वो इकोनॉमिकल चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।